नमस्कार, बाइसोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं शशांक। आज क्या कुछ खास हजारीबाग में है इसकी जानकारी देने मैं आया हूं। तो सबसे पहले हम मौसम की जानकारी दे देते हैं। मौसम की बात करें तो देर रात तेज़ बारिश हजारीबाग में हुई है और उसका असर आज अहले सुबह से देखने को मिल रहा है। लगभग 10 बजने को है और अभी तक धूप हजारीबाग में नहीं निकला है। घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। इसी के कारण सड़कों पर गाड़ियां भी कम चल रही हैं। थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि घना कोहरा है, आप गाड़ी धीरे चलाएं अगर निकलते हैं तो। और ऐसे में बच्चों और बुज़ुर्गों को ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है। लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर हजारीबाग में देखने को मिल रहा है और हमारी गेटअप से आपको अनुमान हो रहा होगा कि ठंड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। वहीं अन्य चीज़ों की बात करें तो आज सांसद जयंत सिन्हा के हजारीबाग में कई तरह के कार्यक्रम हैं। हजारीबाग तथा रामगढ़ में उनके कई तरह के आज कार्यक्रम होने हैं, जैसे में कि आज सदर प्रखंड के गुरहेत में विकसित भारत संकल्प यात्रा की रथ को आज सांसद जयंत सिन्हा 11:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं जो बीजेपी का अभी दीवार लेखनी कार्यक्रम चल रहा है चुनावी तैयारियों को लेकर, और 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार जिसे लेकर चुनावी दीवार लेखन कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें भी शामिल होंगे। और कटकम दाग के मयातू स्वास्थ्य केंद्र के समीप 1 बजे दीवार लेखनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 4:30 बजे हजारीबाग की जन समस्याओं को लेकर उपायुक्त से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं अन्य चीज़ों की बात करें तो अक्षय पात्रा के तहत बने रसोइये का भी उद्घाटन होना है, यानी कि कल 19 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है। राज्यपाल इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसे लेकर भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। अन्य चीज़ों की बात करें तो 22 जनवरी को खास बनाने के लिए सांसद विधायक सभी अपने स्तर पर लगे हुए हैं और सदर विधायक मनीष जायसवाल भी आज कई कार्यक्रम में इसे लेकर शामिल होंगे, जैसे कि सफाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद कल भी उन्होंने कई मंदिरों में जाकर सफाई अभियान चलाया था और आज भी अपने सदर विधानसभा के कई मंदिरों का उनका दौरा होना है जहां वो सफाई अभियान चलाएंगे। वहीं दीवार लेखनी चुनावी कार्यक्रम का भी कल उन्होंने शंखनाद किया और एक बार फिर से मोदी सरकार इस पर काम करते हुए दीवार लेखनी किया। आज भी इस कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष जायसवाल शामिल होंगे और फिर से 2024 में केंद्र में मोदी सरकार की वापसी हो इसके लिए काम करेंगे। एक और घटना की बात कर लेते हैं तो हजारीबाग के एनटीपीसी पांडू में कल गोलीबारी की घटना हुई थी। प्रशासन उस पर जांच में जुट गई है और जो अभी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रशासन ने घटनास्थल से कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए हैं। कुछ पर्चियां भी वहां से बरामद हुई हैं जिसे लेकर प्रशासन जांच कर रही है और ये दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों के गर्दन तक उनके हाथ पहुंच जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हजारीबाग में अभी की तमाम तरह की जो जानकारियां थी वो हमने आपके समक्ष रखी हैं। अन्य कोई और जानकारी भी अगर आएगी तो वो हम भी आपके समक्ष रखेंगे। न्यूज़ बाइसोस्कोप के साथ बने रहें।